अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज के साथ मैं हूं अस्मा जावेद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस खबर शामिल करते हैं। शहर कायद कराची ब्यूरो चीफ कराची से शाहिद अबासी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन इत्तेहाद अबासिया कराची डिवीजन के सदर नईम अबासी की वफ्द के हमरा जिले कुरंगी में अंजुमन के सीनियर मेंबरान से उनके अजीज व अकारब की वफात पर इजहार ताजियत। 16 जनवरी बरोज पीर नईम अबासी ने कराची डिवीजन के अहदेदारान फाइनेंस सिक्योरिटी इकराम अबासी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर बाबर अबासी, सदर जिला कुरंगी नूर अहमद अबासी, राबता सेक्रेटरी खलील अबासी और आदल अबासी के हमरा कुरंगी में सरपरस्त आला जिले कुरंगी जलाल अबासी साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और चंद दिन कबल वफात पाने वाली उनकी बहू सीनियर मेंबर यामीन अबासी की बेटी की वफात पर इजहार ताजियत किया। बाद अजां जिले अहदेदार अयूब अबासी ज्वेलर के उनके बरादरे निस्बती की वफात पर ताजियत की। एडवोकेट अनवर अबासी से उनकी रहाइश गाह पर मुलाकात की और उनकी अहलिया की वफात पर इजहार ताजियत किया। वफ्द ने तमाम मरहूमीन के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी और दुआए मगफरत की। अहलियान कयूमाबाद का इलेक्शन नतीजे तब्दील करने के खिलाफ सर सैयद अस्पताल चुरंगी पर एहतजाज। सड़क के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। बल्दियाती इलेक्शन में तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जीत चुके थे जिसे प्रिजाइडिंग और आरओ ने हार में तब्दील कर लिया। मुजाहिरीन जब तक उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसीए कयूमाबाद शमशाद खान तनोली की कामयाबी का ऐलान नहीं होता एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का ऐलान सूबाई हुकूमत समेत पीडीएम या किसी शख्स या प्रिजाइडिंग और आरओ ऑफिसर्स को अहलियान कयूमाबाद का वोट चोरी नहीं करने देंगे। कराची में सीवीओ से लेडी वेटनरी डॉक्टर सारा मलिक की लाश मिलने के केस में पेशरफ्त हुई। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मा याकूब को जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजमा को सारा मलिक केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल कराची में सीवीओ पर एक लड़की ने समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी जिसकी लाश गोताखोरों ने कई घंटों की तलाश के बाद निकाली। कराची मौसमियाती तजियाकार जवाद मेमन ने शहर में सर्दी की नई शदीद लहर और दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशेंगोई कर ली। मौसमियाती तजियाकार जवाद मेमन के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज है जिसके बायस कराची का मतला जज्वी अबर आलूद रहने के साथ साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। जवाद मेमन ने बताया है कि सिस्टम के जेरे असर आज दोपहर से कराची में तेज गर्द आलूद और सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है जबकि गर्द आलूद हवाओं के बायस फिजाई मेयार भी मुतासर हो सकता है। लाहौर में सीधे साधे लोगों को नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकाल लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मीडिया के तमाम दोस्तों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो मासूम और सादा लोगों को झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर या किसी और तरीके से रावलपिंडी में वहाँ लैब है वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ उनका गुर्दा निकाल के आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये गैंग उस वक्त मंजरे आम पर आया जब थाना मनावा में हमें एक अब्दुल्ला नाम के लड़के की अगवा का मुकदमा दर्ज होता है। ये 15-16 साल का सीधा साधा सा लड़का है और इस पर सीसीपीओ साहब जनाब गुलाम महमूद डोगर, डीआईजी जनाब अतर इस्माइल साहब और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हसनैन हैदर साहब, उन्होंने ये एक मेरी सुपरविजन में एक टीम तश्कील दी जिसमें इस बच्चे की रिकवरी को हर सूरत में हमने मुमकिन बनाना था। इस बच्चे के जब मोबाइल फोन ट्रैकिंग और बाकी चीजों पर हम चले तो फिर हमें पता चला कि ये बच्चा यहाँ से मूव होके रावलपिंडी जाता है। ये जो कैपिटल हॉस्पिटल वाले थे वहां पे उसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी उसको आप देखें कि एक मासूम लड़के को सिर्फ मोबाइल फोन का झांसा देकर इन लोगों ने उसका गुर्दा निकाल लिया।
जब हमें ये टिप मिल गई तो टिप के बाद हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। काम पर पता चला कि इस पूरे गैंग के जो सरगना हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो फैसल खान जो कि पिंडी का रहने वाला है और मोहम्मद अकबर वो भी धमियाल रावलपिंडी का रहने वाला है। इन्होंने उस हॉस्पिटल और लेबोरेटरी की आड़ में ये धंधा शुरू किया हुआ था। इसमें हमने 6 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। ये मुल्जमान वो हैं जो इन्वेस्टर हैं या फैसिलिटेटर हैं या दूसरे मासूम लोगों को घेर के वहां पे ले जाते हैं और वहां पे उनका गुर्दा रिमूव कर दिया जाता है और ये उन लोगों को 50,000 या लाख इतने पैसे देते हैं और उनमें से भी पैसे दरमियान में मिडल मैन खा जाता है और आगे फिर ये बहुत महंगा जो गैर मुल्की कुछ लोग आते हैं उनको गुर्दा ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। और आप इसमें देखें कि बदकिस्मती क्या है, इसमें 5 डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनमें मैं उनका नाम आपको बता देता हूं जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें सर्जन है, एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, डॉक्टर मोहम्मद फवाद मुमताज, डॉक्टर मोहम्मद अवैस, डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम, डॉक्टर जफर, ये सारे पिंडी के डॉक्टर हैं। और इसमें एक मोहम्मद शहजाद मुमताज जो कि डॉक्टर फवाद मुमताज का भाई और अपने आप को वकील कहता है, ये जाली वकील है, ये इसको इनको प्रोटेक्शन देता है। इसमें इंशाल्लाह ताला बाकी जो मुल्जमान हैं जो डॉक्टर्स हैं हम उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, रेड्स कर रहे हैं। और इनमें से एक डॉक्टर जो फवाद मुमताज है ये इससे पहले भी इसी गुर्दा फरोशी के चक्कर में गिरफ्तार होके 18 महीने जेल में रह चुका है। लेकिन इसमें मुनाफा इस कदर शरा ज्यादा है कि ये लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, उसके बाद फिर वही धंधा शुरू कर देते हैं। आप ये देखें जिसमें लाहौर पुलिस को मैं समझता हूं कि इनकी बहुत मेहनत है कि रावलपिंडी में वहां पे कैपिटल हॉस्पिटल में ये धंधा इतने अरसे से हो रहा है और लाहौर पुलिस का सिर्फ एक लड़का इधर हमारा अगवा होता है और उस लड़के की बरामदगी के सिलसिले में हम मेहनत करते हैं और मुल्जमान है वो पिंडी से पकड़े हैं और बकाया भी जो मुल्जमान है वो रावलपिंडी के हैं। और इसमें जो लोकल पुलिस है रावलपिंडी की, मैं समझता हूं कि उन्हें इस सिलसिले में बहुत ज्यादा अलर्ट और विजिलेंट होना चाहिए था कि अगर लाहौर पुलिस जाके उधर से गिरफ्तार कर सकती है तो उन्हें इल्म नहीं था कि उनके इलाके में ये सारा धंधा चल रहा है। इट्स नॉट गेम ऑफ एलिगेशन, नॉट एट ऑल, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकल पुलिस को इस सिलसिले में बहुत विजिलेंट होना चाहिए। यहां तक इसमें हम पूरी कोशिश ये भी करेंगे कि जो मुल्जमान हमने पकड़े हैं उनकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन की जाए और प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के बाद उनकी जमानतें भी ना हों और वो आगे उनको हम सजा याबी भी करवा सकें। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं सवाबी से। आरएनएन न्यूज के ब्यूरो चीफ औरंगजेब अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाबी के तमाम सियासी जमातों का सवाबी अमन चौक में मुश्तरका अमन मार्च से जमीयत उलमाए सलाम जिला सवाबी के अमीरों मरकजी नायब अमीर मौलाना फजल अली हकानी जनरल सेक्रेटरी हाजी नूरल सलाम ने खिताब किया और अमन के बारे में तफसीली बात। इस मौके पर सवाबी हुकूमत पर तनकीद की और पीटीआई को महंगाई और बदमनी का जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर मुमकिना कैंडिडेट गफूर खान जदून, साबिक सूबाई वजीर और इम्तियाज जैब साबिक कैंडिडेट और चेयरमैन तहसील टोपी ने भी खिताब किया और कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। वर्कशॉप रिपोर्ट आफाक अहमद अरैन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्कशॉप शहर के करीब गोट धनी बख्श खास खेली में पीर महीउद्दीन का सालाना उर्स मुबारक हर साल की तरह जोशो खरोश से मनाया जा रहा है जिसमें बच्चों के एंजॉय करने के लिए कश्ती झूले भी लगाए गए हैं और सिंध और पंजाब के दरमियान मल मलाकरे का मैदान भी हर रोज 5 बजे सजाया जाता है जिसमें जीतने वाले पहलवान को खूब इनामात से नवाजा जाता है जिसमें सिंध के मशहूर पहलवान गुलाम रसूल पठान के छोटे भाई फिदा हुसैन पठान ने खूब पहलवानी के जौहर दिखाए और दूसरे मरहले में वर्कशॉप शहर के पहलवान अली हैदर खास खेली ने मल मलाकरे का मुकाबला अपने नाम किया जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की जिसमें मेले के सरपरस्त साईं गुलाम शब्बीर जिलानी, फंक्शनल लीग सांगर के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद नवाज अराई, मुस्लिम लीग फंक्शनल अगवान मलिक अमजद हुसैन, तस्वीर हुसैन जट, न्यू जकराव वर्कशॉप चेयरमैन फकीर मोहम्मद बचल बिरमियानी और मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। मल मलाकरे के बाद सिंध के मशहूर गुलकार मरहूम उर्फ चांडियो के बेटे दिलबर चांडियो और राजा चांडियो ने मेले में आए हुए मेहमानों और आवाम को अपनी खूबसूरत आवाज में
सिंधी गाने पेश किए। आए हुए गुलकारों की खूब हौसला अफजाई करते हुए उन पर खूब पैसों की बरसात की। हेडलाइंस आपने मुनाइजा की। न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।